जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली है कि आपका जो SSC GT का जो रिजल्ट आने वाला था आज 19 की नाइट में नहीं आया है। अक्सर ऐसा होता है कि एक दिन पहले आ जाता, जैसे कल जूनियर वो हिंदी ट्रांसलेटर का भी आया है, और इससे पहले हमारा जब SSC GT का जो रिजल्ट आया था वो भी एक दिन दो दिन पहले आ गया था। 4 फरवरी डेट थी और 2 फरवरी को आ गया था। आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो अब कितनी बजे आपका रिजल्ट आ सकता है या कितनी बजे आपका रिजल्ट आने वाला था इस पे। साथ ही एक दो चीज़ें हैं जो मैं बता दूँ आपको कि आपको जो परेशान कर रही है। एक तो आप बार बार मेरे को ये मैसेज कर रहे हैं, सर अभी साइड नहीं चल रही है SSC GT की, अभी साइड नहीं चल रही है, सर अभी साइड नहीं चल रही है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ऐसे बहुत मैसेज आए हैं पूरी रात भर में। तो दोस्तों उसका एक रीज़न है, मैं आपको बता दूं कि आप जहां रहते हो, जैसे राजस्थान, UP, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इधर क्या है कि SSC GT के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा और बार बार साइट का विजिट कर रहे हैं। SSC.NIC बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है आज ये साइट, तो उससे क्या हो रहा है कि साइट बार बार सर्वर उसका डाउन हो रहा है। लेकिन जब वो मेरे को बोलते हैं, फिर मैं इधर से चला के देखता हूँ, एक मिनट में ओपन हो रही है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, SSC GT की साइट चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि इधर जहाँ मैं रहता हूँ इधर कोई कैंडिडेट नहीं है SSC GT के, बहुत ही मतलब ना के बराबर कैंडिडेट है, बहुत ही कम कैंडिडेट है SSC GT के इधर। तो और उनको उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा उनको पता ही नहीं है कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो इधर साइट का विजिट नहीं हो रहा। तो इसलिए होगा क्या कि इधर आसानी से ओपन हो जा रही है आपके उधर, क्या कि वो सर्वर करेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र होने की वजह से सर्वर करेक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे रिजल्ट आएगा, तो जो रिज़ल्ट आज कब आ सकता है, मैं जैसे ही रिजल्ट आएगा उसकी PDF डाउनलोड करके अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप फिर उस पर साइड पर जाके देखोगे तो आपको वो वापस रिलोडेड लिखा आएगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत 1 या 2 सेकंड के बाद में आपको उधर PDF मिल जाएगी, मैं डाउनलोड करके दे दूंगा, क्योंकि इधर सर्वर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छा नेटवर्क है और आसानी से ओपन हो रही है साइड में। रात भर में कम से कम काफ़ी टाइम विजिट किया हूँ, दिन में भी किया हूँ, अभी विजिट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो रिजल्ट के बारे में एक चीज़ और बार बार जो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये रिजल्ट शीट आपने जो डिवाइडेशन वाली बताई थी कि सीटें जो डिवाइड होगी डिपार्टमेंटली, वो क्या बाद में होगी और हमारा रिजल्ट आएगा तो कैसे आएगा? तो रिजल्ट जैसे मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें केवल लिखा हुआ आएगा आपका रोल नंबर, आपका नाम और यू आर सेलेक्टेड इन SSC GT, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कि पूरी 2 लाइन लिखी हुई है कि SSC GT यू आर सेलेक्टेड इन SSC GT असम राइफल NIA CAPF ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा वो पूरा लाइन, और नीचे आपका रोल नंबर और नाम और क्रमांक एक वो चलता है वो लिखा हुआ रहेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता रहेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? तो इसके लिए क्या करना कि आपके आसपास में जो सबसे कम नंबर वाला है उस बंदे को ढूंढना, और ये आप खुद पता करना कि सबसे कम नंबर वाला किसका सिलेक्शन हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट का टॉप कहाँ पर रही है। ठीक है, इसके लिए आपके ग्रुप होंगे, ग्रुप नहीं है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है उसमें आज ओपन कर लूँगा मैसेजिंग, ताकि आप मैसेज भी कर पाओगे, तो एक दूसरे से कनेक्ट करना उस टाइम पर कि फाइनल मेरिट कहाँ गई है, डाउन टू डाउन। तो अगर आपका वो डाउन मेरिट में है तो आप मान के चलिए कि आपकी मतलब अगर डाउन मेरिट में आप आए हो तो फिर फर्स्ट चॉइस मिलने के चांसेस बहुत कम है। अगर CRPF फर्स्ट चॉइस है या BSF फर्स्ट चॉइस है तो ये तो मिल सकती है, लेकिन CISF, NIA, SSF ये मिलने के फिर चांसेस कम है। तो इसलिए आप वो चीज़ पता करना कि आपके आसपास में सबसे लो मेरिट किसकी गई है। और फिर जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके कमेंट बॉक्स में आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं जैसे वीडियो बनाऊंगा, जैसे रिजल्ट आ गया वीडियो बनाऊंगा, PDF के लिंक इधर वीडियो में भी दूंगा और उधर टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में तो मैं PDF भी भेज दूंगा और इधर लिंक शेयर करूंगा पक्का 100% जैसे ही रिजल्ट आता है। साथ ही एक दो चीज़ मैं बता दूं, जैसे मैं बार बार कल भी एक वीडियो बनाया था आपके लिए मोटिवेशनल, आज और एक चीज़ बता रहा हूं, इस चीज़ को आप दिमाग से नहीं निकालना। देखो रिजल्ट आने वाला है, मुझे पता है कि मैं खुद इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूं, तो आपकी एक्साइटेड कितनी है तो मैं मतलब इमेजिन कर सकता हूं, क्योंकि जो दिन में आप हो उस दिन में मैं जिया हूं, वो दिन मैंने देखा है। ठीक है, और मेरे को तो नहीं, मेरे से कहीं ज़्यादा एक्साइटेड हो आप, मैं तो मतलब इतना नहीं था क्योंकि मैं बिजी था, तो लेकिन आप तो कहीं ज़्यादा एक्साइटेड हो। और मैं तो बोलता हूँ जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, YouTube मेरी फैमिली है, जितने भी SSC GT वाले, मैं तो चलता हूँ भगवान करे कि किसी का भी मेरे को ऐसे मैसेज नहीं आए कि सर मेरा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ सभी यही मैसेज करेंगे सर मिठाई कब खिलाएं, क्योंकि यार इतने दिनों से आपसे जुड़े हैं और आपने भी इतनी मेहनत की यहाँ पर पहुँचे, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी एक बंदा भी निराश हो जो मेरे से जुड़ा है। 100% रिजल्ट रहे जो मेरे से जुड़े हैं उन सभी का, कि सबका नंबर आ जाए, दिल खुश हो जाएगा। अगर सबका ऐसा हुआ, मेरे को किसी का मैसेज ऐसा नहीं मिला, तो दिल खुश हो जाएगा, पूरा बाग बाग हो जाएगा। और
आपसे मिलने के बराबर ही है मेरे लिए। तो कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सर हम आपसे एक बार ज़रूर मिलेंगे, तो ज़रूर मिल लेना फिर, अगर आपका नंबर आ जाए तो ज़रूर मिल लेंगे हम, चाहे आप कोई सी भी फोर्स में रहो, एक ना एक दिन ज़रूर हम मिलेंगे, और हो सकेगा तो जल्दी मिल लेंगे। आपके ग्रुप सेंटरों में भी मिल लेंगे, जिनको CRP वाले हैं उनके तो ग्रुप सेंटरों में भी हम मिल लेंगे, तो बाकी जितने भी हैं उन सभी से मिल लेंगे। तो मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात वही है, मिठाई है आपकी, कि जितने भी मेरे से जुड़े हैं वो सभी का नंबर आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप और आपके घर वाले किस प्रकार आश लिए बैठे हैं कि अभी रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आएगा। तो अब बात करते हैं रिजल्ट की, कि कब तक आएगा रिजल्ट। तो दोस्तों जैसे SSC GD का जो रिजल्ट लॉन्चिंग का टाइम है, अधिकतर SSC GD ने नाइट में रिजल्ट दिया है। किसका? SSC GD। इससे पहले या कोई भी बड़ी वैकेंसी का अगर रिजल्ट देती है SSC GD तो नाइट में ही ज़्यादा देती है, क्योंकि सर्वर कम यूज़ करता है। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोगों ने सोए नहीं है, मेरे को रात भर मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पर, पूरी रात भर, जैसे रात के 2 बज गए हैं, सर 3 बज गए हैं, अभी रिजल्ट नहीं। मैं खुद भी 2-3 बजे तक ऑनलाइन था, जिनको पता उनको कि 3 बजे तक मैं भी नहीं सोया हूँ। मैं खुद भी सोच रहा था कि कभी रिजल्ट आए, क्योंकि मेरे पास में भी, मेरे को भी देखना कि कहाँ तक कट ऑफ जाती है। अब इसके अलावा अब जो चांसेस है रिजल्ट के वो है 1 बजे का, 1 बजे, 3 बजे या 5 बजे। इन तीनों टाइम में से एक टाइम पे रिजल्ट आ सकता है। इसका रीज़न क्या है कि कल जो जूनियर वाला आया था वो भी 12 से 1 बजे के बीच में आया था, और जो रिजल्ट SSC GD देती है वो 12 से 1 के बीच में या शाम को 5 बजे वाला ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपको शाम को 5 बजे तक रिजल्ट डाल दे। दोस्तों रिजल्ट लेट नहीं होगा, इसकी कोई अपडेट नहीं है, ना ऐसा होगा कि आपकी रिजल्ट डेट पोस्टपोन होगी। अगर 5 बजे तक नहीं आता फिर आज की नाइट में पक्का रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये 100% है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। हो सकेगा तो मुझे नहीं लगता कि 5 भी बजेंगे, 5 बजे से पहले पहले ही रिजल्ट आ जाएगा आपका, 5 भी नहीं बजेंगे उससे पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर 5 बजे तक भी रिजल्ट नहीं आता है तो फिर नाइट में रिजल्ट आएगा, फिर बार बार आप उस टाइम को छोड़ देना, उस टाइम पे सर्च नहीं करना, फिर आपका नाइट में ही रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए अगर 5 बजे तक रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर नाइट में रिजल्ट आने के चांस है। बाकी फिर शाम के टाइम रिजल्ट बहुत ही कम हुआ है, ऐसा कि 6-7 बजे 8 बजे तो ज़्यादातर चांस है कि 5 बजे से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए। और जितने आप एक्साइटेड हो इस बार SSC GD भी आपका उतना ही मज़ा ले रही है, कि जितने आप परेशान हो उतने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता आपके हार्ट बीट वाला कल मैंने ओपिनियन पोल किया था तो ख़तरनाक हार्ट बीट है सभी की, 1000 तक पहुंच गई है कईयों की। क्योंकि अब ये टाइम है, सभी को पता है कि क्या पता मेरा होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों ज़िंदगी में, रिजल्ट केवल SSC GD का है, आपके जीवन का नहीं, ठीक है, वो SSC GD का ही रिजल्ट है, आपके जीवन का नहीं। ये रिजल्ट में पास हुए फेल हुए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। इंसान जो ज़िंदगी में अपने में पास है वो कई फेलियर तो सामना करना ही पड़ता है जीवन में, हर एक इंसान किया है, फेलियर का सामना तो करना ही पड़ता है। जब छोटा सा बच्चा भी चलता है तो भी गिरता पड़ता रहता है, लेकिन लास्ट में चलना सीख जाता है और चलता भी है, दौड़ता भी है। तो उसी प्रकार से अगर रिजल्ट में अगर आपका नाम आए अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर ना भी आए तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जितना भी परिवार है यूट्यूब का उनमें से कोई भी ऐसा मतलब नुकसानदायक कोई काम करे या ज़्यादा सोचे, सोचना भी नहीं है साला, ठीक है। मुझे पता है कि चिंता अभी आपकी हो रही है कि क्या पता मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। कुछ लोग पहले से डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेस नहीं होना दोस्तों, कभी भी डिप्रेशन में जाना ही नहीं, साला डिप्रेशन वर्ड ही नहीं है इस दुनिया में, कोई डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं इस दुनिया में, मैं बोलता हूँ। हर कोई गिरता है पड़ता है संभलता है, लेकिन याद रखना ज़िंदगी में वही सक्सेस हुआ है जो गिर के फिर वापस खड़ा होकर चला है। गिर जाता, अरे हम ज़मीन के बंदे हैं, हम ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, हम ज़मीन पे रहते हैं ना, हवा में नहीं उठते ना, सारा गिर भी गए तो वापस उठ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। फ़कीर का क्या फ़कीर होगा मुझे बताओ, फ़कीर तो हम है ही, उसका क्या फ़कीर होगा, हम कौन से ऊपर से ताज से गिरे नीचे। तो फिर इतना डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया ना सही, हमारा काम था, हमारा कर्म करने का काम था, किस्मत में नहीं लिखा होगा भाई, किस्मत में नहीं लिखा होगा ना। जो प्रधानमंत्री जैसे वोटिंग लिस्ट में भी एक एक वोट से रह जाते हैं और भी कई एक एक नंबर एक एक पॉइंट से रह जाते हैं, तो ऐसे थोड़ा ना होता है कि भाई अरे यार मैं तो रह गया, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आपकी बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी आपकी मेहनत, आगे देखना जीवन में, पीछे नहीं, आगे देखना कि चलो कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ तो अब क्या करूं? अब मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, हार नहीं माननी ज़िंदगी में, जो हार मान जाते हैं उनका कुछ नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो हार मान गया उसका कुछ नहीं बढ़ता इस जीवन में, कुछ नहीं है उसका, वो साला ज़िंदगी भर रोएगा, इसलिए हार तो माननी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ ना सही, साला 2 वक्त की रोटी पेट जिसने पेट दिया ना, वो बोलते हैं जिसने चूस दिया उसने चुगा भी दिया है,
ठीक है, पेट दिया है, भूख दी है, प्यास दी है, तो पानी भी दिया है, खाना भी दिया है, वो सबको मिलता रहेगा। ठीक है, जो लाख रुपये महीने कमा रहा है ना, वही दो टाइम की रोटी खा रहा है सुकून से, हम भी दो टाइम की खा रहे हैं। ये तो है नहीं कि वो दिन पूरे दिन खाता ही रहता है। ठीक है, तो शरीर तो उसका एक जैसा ही, बस कोई बात नहीं, अगर आपका आता है तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी मेरे से जुड़े लोग हैं सभी का आ जाए, लेकिन आपको पता ही है कि 1 लाख के आसपास बंदे और 60,000 पहुँचे, तो कुछ लोग रहने भी है, तो इसको स्वीकार भी करना है। ठीक है, और आई होप कि मेरिट ज़्यादा अपनी जाएगी, तो अब रिजल्ट 5 बजे तक आप वेट करते हैं, 5 बजे से पहले पहले आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप सब भी खुश हो जाओ, मैं तो खुश हम खुश हो जाऊँगा। आप सभी के मैसेज ऐसे आएगी, सर हमारा हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।